किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, किसी भी सेवा का उत्पादन करना है, सेवाएं देनी है, कुछ भी करना होता है तो उसके पीछे कुछ खर्चे होते हैं और उत्पादन या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उन खर्चों को बोलते हैं लागत। तो लागत की प्रमुख अवधारणाओं को समझना है, उत्पादन के लिए किस लागत क्या होती है, कौन कौन सी लागतों का प्रयोग होती हैं, लागत कितने प्रकार के होते हैं और लागत की अवधारणाएं। बेसिकली लागत दीर्घकालीन भी होती हैं, अल्पकालीन लागत भी होती हैं, यानी कि लागत की अवधारणाओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको अल्पकालीन लागतों के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दीर्घकालीन लागतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों को एक ही में बताया गया, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मजाक कम करता हूँ, कंटेंट ज़्यादा देता हूँ, इसलिए थोड़ी बोरियत हो सकती है। A1 कंटेंट चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको नकचली चाहिए, टाइम पास करना है, हुक्का हु करना है, तो आप बाकी देख लीजिए। तो लागत के सिद्धांत की बात करेंगे, अल्पकालीन लागत की अवधारणाओं की बात करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। सब कुछ जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर भाई ये लागत किसे कहते हैं। नॉर्मल कहते हैं उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उत्पादन के लिए ही लागत चाहिए। देखिए, वस्तु का उत्पादन करना है, चाहे किसी वस्तु का हो या फिर किसी भी सेवा का उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए आपको साधनों की आवश्यकता चाहिए, उत्पादन के साधन चाहिए। उत्पादन के साधन जैसे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पूंजी, आपको क्या चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि, आपको क्या चाहिए श्रमिक, और आपको क्या चाहिए उद्यमी चाहिए जो पूरे उद्यम को आपको चलाए। तो उत्पादन के साधनों की सहायता से ही तो उत्पादन कार्य होगा, ये फ्री में होगा नहीं। अब इन सभी चीज़ों के जुगाड़ करने के लिए आप इनको साधनों का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, और किसी भी साधन के बदले में आपके द्वारा किया गया भुगतान आपका क्या होता है, आपकी क्या होते हैं खर्चे होते हैं, नॉर्मल भाषा में कहते हैं, और इन्हीं खर्चों में को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में या फिर बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं लागत, यानी कि कॉस्ट। सीधी सी बात है, किसी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए जिन साधनों पर हमें व्यय करना पड़ता है, साधनों को जुटाना पड़ता है, साधनों को खरीदना पड़ता है, साधनों का एकत्रित करना पड़ता है, तो उनके लिए आप जो भी व्यय करेंगे साधनों के लिए, इनपुट्स के लिए, जैसे मशीन खरीदना होगी आपको, ठीक है, आपको लेबर चाहिए, लेबर के लिए आपको वेतन देना पड़ेगा या फिर मजदूरी देनी पड़ेगी। ज़मीन चाहिए, ज़मीन या खरीदेंगे या फिर ज़मीन किराए पर लेंगे। बिजली का बिल होता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, तमाम छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो उत्पादन के लिए ये जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं, इन्हीं पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, लागत कहते हैं। इन्हीं लागत के बारे में हमें डिटेल से समझना है। तो लागत को और अधिक समझेंगे तो उसके लिए समझना पड़ेगा लागत फलन के बारे में, कॉस्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं। देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया साधनों से होती है, मतलब उत्पादन की कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है और उसके लिए कितनी लागत चाहिए, यानी कि जितना खर्चा करेंगे उतना ही उत्पादन होगा, खर्च आपके बढ़ जाएंगे। आपका यहाँ पर उत्पादन पर किया गया खर्चा नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये आपकी लागत है, ये आपका निवेश है। तो जितना लागत लगाएंगे उतना ही अधिक उत्पादन की मात्रा का प्रयोग होता है। तो लागत और मात्रा के बीच में जो संबंध होता है, उसी संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है, सी पर होता है कॉस्ट, एफ का मतलब होता है फंक्शन, ओ का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है यहाँ पर, ओ का मतलब आउटपुट। तो उत्पादन की लागत कॉस्ट और उसके माध्यम से होने वाले आउटपुट, इन दोनों के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। तो जब हम लागत के बारे में जानते हैं तो नॉर्मली लागत के वर्गीकरण को समझना होगा, लागत को कितने वर्गों में बांटा गया है। अलग अलग वर्गों के लागत होते हैं, अलग अलग वर्गों में खर्चे किए जाते हैं, खर्चों को बांटा गया है। तो बेसिकली लागत के तीन प्रमुख वर्ग बनाए गए हैं, एक है मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। मौद्रिक लागत को इंग्लिश में बोलते हैं मनी कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट, वास्तविक लागत को बोलते हैं रियल कॉस्ट, और ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीनों को समझो, क्योंकि तीनों के बारे में शॉर्ट में भी पूछा जाता है, हो सकता है आपसे अलग से लॉन्ग में तीनों के वो एक साथ पूछा जाए। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट में जाना पड़ेगा मौद्रिक लागत। मौद्रिक का नाम से पता चल गया होगा आपको, क्या मौद्रिक, यानी कि मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान। बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से आप मुद्रा के रूप में भुगतान करते हैं, जिसके बारे में आप पेमेंट करते हैं पैसों में, कैश में, आपके पास से क्या जाता है, रुपया जाता है।
तो अगर मुद्रा के रूप में कोई भी भुगतान आप करते हैं उत्पादन के साधनों के लिए, तो उसे हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जिसका एक निश्चित मूल्य होता है और इस मूल्य का भुगतान करना होता है। जैसे आपको उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए तो भुगतान करना होगा भैया, फ्री में थोड़ी ना आएगा। आपको श्रमिकों की मजदूरी देनी होगी, फ्री में थोड़ी ना श्रमिक कोई काम करेगा। आपने लोन ले रखा है, पूंजी ले रखी है, बदले में ब्याज देना पड़ेगा। मरम्मत व्यय हो गया, प्रबंधन व्यय हो गया, विज्ञापन हो गया, यातायात के खर्चे होते, तमाम खर्चे होते। इसके अलावा भी तो छोटे मोटे एग्जांपल है, एक बिजनेस को चलाने के लिए कई सारे खर्चे होते हैं, तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए आपको व्यय करना पड़ेगा। और इन व्ययों के लिए जो भी भुगतान आप करते हैं, दैट इज़ योर मौद्रिक लागत। अब मौद्रिक लागत को अगर और थोड़ा डिटेल से जाएं तो मौद्रिक लागत के भी प्रकार है। मौद्रिक लागत के तीन प्रमुख अंग है, दैट इज स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। तीन प्रकार के इसके लागत होती है मौद्रिक की, जब हम मौद्रिक भुगतान करते हैं। यूं कहें ये तीन अंग है मौद्रिक भुगतान के। तीनों अंग मतलब जब स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ को जोड़ेंगे ना, तीनों को टोटल करेंगे, तब जाके हमारा मौद्रिक लागत पूरा होता है। चलो इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पहला है आपका स्पष्ट लागतें। स्पष्ट मतलब वो जो हमारे सामने हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से किसी और व्यक्ति को भुगतान करते हैं। मतलब आपकी उत्पादन की प्रक्रिया है, आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के लिए आपको आपने कच्चा माल खरीद लिया बाहर लोगों को, आपने उसका पेमेंट कर दिया। आपने मजदूरों से काम कराया, आपने उसका पेमेंट कर दिया। आपने किसी का घर किराए पर लिया, भवन किराए पर लिया, भूमि किराए पर ली, उसका भुगतान कर दिया। आपने कहीं से पूंजी उठाया, ब्याज दे दिया। मतलब उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी बाहरी आदमी को एक प्रत्यक्ष रूप से आप पेमेंट करते हैं मुद्रा के रूप में, ऐसे पेमेंट को प्रत्यक्ष लागत या फिर आपको स्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा भी है, वे व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान किसी दूसरे को करता है। लेफ्ट बीच ने एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को किया जाता है। कच्चे माल पर किया गया व्यय, कच्चा माल कोई दूसरा सप्लाई करता है, श्रमिकों की जो मजदूरी होती है, उधार पे ले गए पूंजी पर दिया जाने वाला व्यय होता है, भूमि का किराया होता है, विज्ञापन व्यय होते, तमाम व्यय होते जो किसी दूसरे को दिया जाता है, जिसके बारे में प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाता है कि ये इसको पेमेंट किया गया, ऐसे लागतों को स्पष्ट लागतें कहते हैं। लेकिन कुछ लागतें ऐसी भी होती है जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं होता, होता तो है लेकिन उसका हम व्यवस्थित रूप से लिखा पढ़ी नहीं करते, हिसाब किताब नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में अगर उसको लिखा जाए तो लागतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे खर्चे जो अस्पष्ट रूप से हमारे सामने होती हैं, खासकर मान लीजिए एक खेत है, क्या है यहाँ पर खेत है, खेत में दो मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूर के साथ साथ तो खेत का जो मालिक है, ओनर है, वो भी काम कर रहा है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। लास्ट में मालिक क्या कह रहा है कि दो लेबर है, एक लेबर का 500 रुपये मल्टीप्लाई बाय दो, यानी कि 1000 रुपये का हमारा आज का खर्चा आया। अब सोचो तीन लोगों ने मिलके काम किया, हिसाब केवल दो ही लोग का आ रहा है क्योंकि दोनों बाहरी आदमी थे। भाई वो आदमी जो मालिक है वो खुद भी तो काम कर रहा है ना, तो उसकी खुद की दिहाड़ी का क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बंदा काम नहीं करता तो इसकी जगह पर एक तीसरा लेबर लगाना पड़ता, तो उसका पैसा इसने बचाया। तो भाई वो एज ए लेबर वहाँ पर काम कर रहा है तो उसका भी तो कुछ पेमेंट बनता है। ये हालांकि वो लिखता नहीं है लेकिन वो भी एक लागत है क्योंकि उसकी जगह पर कोई दूसरा लेबर काम करता, तीसरा लेबर काम करता। तो यहाँ पर उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते जिनका उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता, जिसमें खुद के द्वारा अपने खेत पे काम की मजदूरी, खुद के घर में किया गया उत्पादन, ये सभी जब स्वयं का होता है, प्रॉपर लेखा नहीं होता है, प्रत्यक्ष भुगतान नहीं होता, इनको अस्पष्ट लागतें के नाम से जानते हैं। जैसे एक उद्यमी की स्वयं की सेवा होती, एक किसान द्वारा स्वयं के खेत में की गई मजदूरी होती, एक उत्पादक की खुद के घर में किया गया उत्पादन कार्य होता है, इसका मूल्य वो शामिल नहीं करता है, लेकिन वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया में वो मूल्य भी शामिल हो रहा है, इसको अस्पष्ट लागतें कहते हैं। डाउट होता है ना कोई पॉइंट में जो आपको समझ में नहीं, मैं कोशिश करता हूँ विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझा दिया जाए। हाँ हो सकता है मेरे चेहरे में आपको लगता होगा थोड़ी हंसी कम है, मैं मजाक थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट पर भरोसा है कि मेरे साथ वो स्टूडेंट जुड़े होते हैं जिनको कंटेंट चाहिए ना कि मस्ती,
उनको कंटेंट चाहिए, ना कि फालतू की गॉसिप। तो इसके लिए मैं जरूरी करता हूँ कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बढ़ाया जाए और पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स भी मिल जाए, ताकि आपको फालतू का भटकना ना है कि मैंने खाली एक्सप्लेन कर दिया हेडिंग टू हेडिंग और बाद में आपको लिखने के लिए चाहिए तो मैटर ढूंढना पड़ रहा है नेट में कहीं और से। तो मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट फालतू का टाइम वेस्ट करे, इसलिए प्रॉपर नोट्स के साथ तो शेयर कर दीजिए इसी बात में, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। तो हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, दैट इज़ सामान्य लाभ। अब बात कर रहे हैं बेटा लागत की, तो सामान्य लाभ लागत कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पे बल देना है कि सामान्य लाभ हम लागत के तीसरे अंग मौद्रिक लागत का तीसरा पार्ट कैसे होगा। देखिए, कोई भी उत्पादक जब किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए अपनी पूंजी लगातार, मान लो 1 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस करने जा रहा है, तो सबसे पहले वो तो इतना तो सोचेगा कि 1 लाख के बदले में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। एटलीस्ट वो कह रहा है कि मान लो मुझे पर मंथ 10% का रिटर्न मिला, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये मुझे कम से कम मिलना चाहिए, अदरवाइज 1 लाख रुपये लगाने का मतलब ही क्या हुआ। तो मतलब साफ है कि अगर वो पैसा लगा रहा है तो बदले में उसको रिटर्न चाहिए, वो भी एक मिनिमम यानी कि एक न्यूनतम रिटर्न चाहिए। तो उत्पादन प्रक्रिया में अगर ये न्यूनतम रिटर्न उसको नहीं मिलता है तो उत्पादन प्रक्रिया में रहना ही उसके लिए बेकार है। तो इसलिए न्यूनतम लाभ को लागत का हिस्सा माना जाता है, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लेना आवश्यक है, अदरवाइज़ उसका बिजनेस, उसका उत्पादन प्रक्रिया सब ठप हो जाएगा अगर ये लागत भी उसको नहीं उठाया, क्योंकि आगे भी उत्पादन बढ़ाना, तमाम खर्चे भी उसको भी निपटाना है, तो लाभ तो लेना ही होगा। तो कह रहे उत्पादकों को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम लाभ को ही सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जो कि तय होता है किसके आधार पर, उसने कितनी पूंजी बिजनेस में लगाया है उस आधार पर, और उसका एक मिनिमम रिटर्न होता है। इसलिए इस न्यूनतम लाभ को लागत का हिस्सा माना जाता है कि इसके बिना आप अपने उत्पादन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये हो गए आपके मौद्रिक, मौद्रिक के बाद होता है वास्तविक लागत। आपको क्या लगता है कि उत्पादन प्रक्रिया में केवल पैसों का ही व्यय होता है, क्या कुछ और खर्च नहीं होता है? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि हम उत्पादन प्रक्रिया में केवल मुद्रा का ही व्यय नहीं करते हैं, मुद्रा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यय होता है, लगता है बिना इसके उत्पादन प्रक्रिया नहीं होती है। साधन जुटाया जाता है लेकिन साधनों का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे जो उद्यमी होता है वो उत्पादन प्रक्रिया कल कैसी होगी रात में जाके सोचता है, उसका मेंटल दिन भर उसमें लगा रहता है किस प्रकार से, तो उसके द्वारा किया गया कष्ट, उसके द्वारा किया गया त्याग, उसके द्वारा किया गया प्रयत्न, कोशिश, हैबिट, ये सब भी तो उत्पादन की लागत में आना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे, बिना समय दिए, बिना कोई त्याग दिए कि सब लोग घूम फिर रहे, वो बंदा उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, अपने परिवार को छोड़ के केवल बिजनेस में लगा पड़ा है, तो त्याग कर रहा है ना। फिर सैलरी कब आएगी, एक मजदूर की सैलरी होता है 1 महीने बाद आती है, तो 1 महीने तक उस पैसों की कमाने के लिए वो काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो वो भी तो अपना कष्ट हो रहा है, अपना परिश्रम कर रहा है। तो इन सब का मूल्य, ये नैतिक मूल्य होता है, ये मानसिक मूल्य होता है। वास्तव में जब कैलकुलेशन होता है इकोनॉमिक्स में, कैलकुलेशन में वो केवल पैसों के बारे में गिनता है, जो मन है, इमोशन है, मेंटल है, साइकोलॉजी, उसके बारे में कहीं पर गिनती नहीं होती। लेकिन वास्तव में बिना इसके उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसलिए जब भी लागत की बात करेंगे तो मानसिक लागत को भी गिना जाता है, और मार्शल ने इसको वास्तविक लागत या सामाजिक लागत के नाम से कहा है कि बिना इसके कभी भी उत्पादन प्रक्रिया नहीं होती कहीं, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा, पैसा कितना भी लगा दो भैया, मन तो होना चाहिए। आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, कितना भी पड़ेगा, मैं तो महंगे महंगे होटल से खाना खाऊँ, लेकिन उस होटल में खाना बनाने का मन अगर नहीं हो, बासी खाना को मिल जाए, तो बेकार हो जाएगा सब पैसा। तो माइंड इट कि यहाँ पर वे खर्चे भी शामिल होते हैं जो मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। मार्शल ने इसको एक्सप्लेन किया कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम रखना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो इन सभी प्रयत्न और त्याग को मिलाकर ही वस्तु की वास्तविक लागत बनती है, क्योंकि इन सब का भी प्रयोग होता है उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है वर्गीकरण में तीसरा, अवसर लागत।
देखिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उत्पादन की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि कम से कम साधनों के माध्यम से अधिक उत्पादन हो, तो वो उत्पादन के साधनों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि अधिकतम उत्पादन हो। तो अगर मान लीजिए एक साधन का प्रयोग पहले कर रहे थे, उत्पादन हो रहा था कम और उत्पादन की मात्रा बढ़ाना है, तो इसकी जगह दूसरे साधन का प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। तो एक साधन के बदले में दूसरे साधन का प्रयोग करना अवसर लागत होता है। मतलब अवसर लागत बताता है कि हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कैसे करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, उत्पादन से अलग, आपको कहीं पर 8,000 की सैलरी मिलती है 8 घंटे काम करने के लिए। अब वहीं पर आपको कहा जा रहा है कि 10 घंटे काम करो तो मैं आपको जो है 15,000 की सैलरी दूंगा, यानी कि 7,000 ज़्यादा केवल 2 घंटे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 घंटे ज़्यादा देने के बदले में आपको 7,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो 7,000 के लिए 2 घंटा आपका लागत होगा। इसको बोलते हैं अवसर लागत, कि 2 घंटे तो ज़्यादा है लेकिन बदले में तो देखो 7,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रक्रिया को एक की जगह दूसरे का प्रयोग करना जो सर्वश्रेष्ठ हो, इसको ही अवसर लागत के नाम से जानते हैं। और उत्पादन में साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए अवसर लागत संबंधी इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं लागत की अवधारणाएँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। जब हम लागत की अवधारणाओं की बात करते हैं, अवधारणाओं को समझने के लिए लागतों के फलन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लागतें साधनों पर निर्भर करता है और समय के आधार पर साधनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक दीर्घकालीन और अल्पकालीन। वैसे ही लागत भी 2 प्रकार की होती हैं, अल्पकाल में उत्पादन लागत और दीर्घकाल में उत्पादन लागत। क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधन कुछ स्थिर रहते हैं और कुल परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के साधन कुछ सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे में जब साधन परिवर्तनशील और स्थिर होते हैं तो यहाँ पर भी अल्पकाल में उत्पादन की लागतें 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर साधनों पर किया गया व्यय स्थिर लागतें, और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया व्यय परिवर्तनशील लागतें, जो उत्पादन के साथ घटती हैं बढ़ती रहती हैं। जबकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, इसलिए सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः दीर्घकाल में सभी परिवर्तनशील लागत ही होती हैं। दीर्घकाल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्पकालीन उत्पादन लागतों के बारे में, लागत के प्रमुख सिद्धांत जो इसी से बने, क्योंकि हम नॉर्मली अल्पकाल की बात करते हैं। जब लागतों का अवधारणाओं की बात करेंगे या लागतों के प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि लागतें साधनों के अनुसार होती हैं, तो ऐसे में अल्पकाल में उत्पादन लागतों की अवधारणाएं कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ गया। 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, 1 कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, MC। अब कुल लागतें 2 प्रकार की लागतों का एक होती हैं, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट और कुल परिवर्तनशील लागत या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वहीं पर औसत लागत भी 2 प्रकार की लागतों का योग होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत के कोई परिभाग नहीं होता है। अब इनको डिटेल से समझना है, क्योंकि जब आपसे लागत की अवधारणाओं की बात करेंगे अल्पकालीन, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, हो सकता है इसमें कुछ भी अलग अलग आपसे पूछा जाए। चलिए खैर, शुरुआत करते हैं पहले से कुल स्थिर लागत की अवधारणा का। सबसे पहला, स्थिर लागत डिपेंड करता है स्थिर साधनों पर। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन स्थिर नहीं होते, यानी कि परिवर्तनशील होते, उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते। लेकिन अल्पकाल में कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर रखना पड़ता है, तो उत्पादन के स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय, जैसे अगर आप एक मशीन खरीदते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया जब तक चलती रहती है मशीनों को जल्दी परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आप कोई भूमि परचेज करते हैं तो बार बार परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ साधन ऐसे होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में यथावत बनी रहती अल्पकाल में, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इन्हीं साधनों पर किया गया व्यय स्थिर लागत कहलाता है, यानी कि कुल स्थिर लागत। ठीक है, ये उत्पादन चाहे कितना भी बढ़े
या फिर कितना भी घटे, हर वक्त ये एक ही समान बना रहता है। इसलिए जब भी हम कुल स्थिर लागत को अगर वक्र के रूप में दर्शाते हैं, ये बिल्कुल सीधा बना रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कि उत्पादन की मात्रा के बढ़ने या घटने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसा ही रहता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि उत्पादन प्रक्रिया स्थिर साधनों से नहीं, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है परिवर्तनशील लागतों के कारण। क्योंकि स्थिर मशीन है, अब मशीन अपने आप तो काम नहीं, मशीनों में कच्चा माल पड़ना डालना पड़ेगा, मशीनों में कुछ दूसरे वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा, मजदूर रखने पड़ेंगे। तो उत्पादन के साथ साथ जब उत्पादन की लागतें घटती या बढ़ती रहती हैं, तो उन लागत को हम जो है परिवर्तनशील लागत के नाम से जानते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, जो कि उत्पादन की परिवर्तनशील साधनों पर किया गया व्यय होता है। ये साधन ऐसे होते हैं, अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो ये साधन भी बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर हम बात करेंगे उत्पादन की, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएंगी, ये कॉस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह से TVC, उत्पादन जीरो तो कुल परिवर्तनशील लागत भी जीरो, क्योंकि हमने लागत, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कमरा किराए पे लिया दुकानदारी करने के लिए, कमरे का किराया 5,000 रुपये है, आप वहाँ पर फर्नीचर लगा रहे हैं, सामान रखने के लिए आपने काउंटर बना दिया, ठीक है, ये आपका स्थिर लागत हुआ। आपकी दुकानदारी सही नहीं हुई, शुरू नहीं हुई, लेकिन आपका एक महीना पूरा हो गया, 5,000 रुपये तो देने पड़ेंगे, फर्नीचर का खर्चा तो देना पड़ेगा, स्थिर लागत। लेकिन अब जैसे इसमें आप माल भर रहे हैं, कपड़े की दुकान है तो आप कपड़े भर रहे हैं, तो ये कपड़े भरने के बाद ही आपकी दुकानदारी शुरू होगी, क्योंकि इसकी दुकान, तो कपड़े आपके लिए क्या होगा, परिवर्तनशील लागत होगा, जो कि बिक्री के साथ साथ घटता बढ़ता रहेगा। अब इन दोनों का टोटल उत्पादन प्रक्रिया में जो भी स्थिर लागत का प्रयोग किया, जो भी परिवर्तनशील लागत है, इन दोनों का योग करेंगे तब जाके आपको कुल लागत की प्राप्ति होती है। मतलब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही कुल लागत होता है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया कुल व्यय कुल लागत कहता है। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे जीरो उत्पादन व्यय, परिवर्तनशील लागत जीरो होता है, लेकिन स्थिर लागत तो होता ही, इसलिए कुल लागत कभी भी आपका जीरो नहीं होता। तो ये हो गया आपका 240, ये हो गया 260, ये हो गया 280, मतलब ये हो गया हमारा स्थिर लागत, ये हो गया कुल परिवर्तनशील लागत। तो इन दोनों के योग से हमारा कुल लागत जो है, इसके बिल्कुल कुल स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत के पैरेलल में चलता रहता है, कुछ इस तरह से ऊपर, ठीक है। जब कुल लागत की बात करते हैं तो आ जाता है फिर औसत लागत। औसत लागत मतलब प्रति इकाई उत्पादन पर किया गया व्यय, प्रति इकाई उत्पादन पर किया गया व्यय हमारा वस्तु की औसत लागत कहलाती हैं। अब दूसरा तरीका होता है, जब कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देते हैं तो जो प्राप्त राशि होता है उसे हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स औसत लागत बराबर कुल लागत बट्टे उत्पादन की इकाइयां, या फिर हम कह सकते हैं औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग जो होता है वो औसत लागत होती है। फिलहाल उसकी बात में करेंगे, इधर देंगे। ये हमारे पास कुल लागत है, यह हमारे उत्पादन की इकाई जीरो है। जब उत्पादन की इकाई जीरो होती है तब जो खर्चा होता है, क्योंकि स्थिर लागत है, ऐसे में औसत लागत हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएंगी, क्योंकि जीरो से कुछ भाग नहीं कर सकते। फिर हमारा ये हो गया 240, क्योंकि भाग करना है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, औसत लागत हमारी घटती चली जाती है, और फिर एक समय के बढ़ने तो औसत लागत हमारी कुछ इस तरह से होती है, AC यू आकृति का, किस आकृति का, यू आकृति का। और औसत लागत के दो भाग होते हैं, पहला है औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत को जब उत्पादन की मात्रा, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने और घटने से कुल स्थिर लागत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उत्पादन की मात्रा तो बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करते चले जाएंगे, स्थिर औसत स्थिर लागत हमारी कम होती चली जाती है। तो फार्मूला इसका बनता है कुल स्थिर लागत बट्टे उत्पादन की इकाइयाँ, ये होता है औसत स्थिर लागत, और ये हमेशा धीरे धीरे घटता हुआ रहता है। देखिए जीरो से भाग कर दिया 200 को, ये डैश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर 1 से 200 को भाग कर देंगे, ये 200 हो जाएगा। फिर 200 भाग कर देंगे, ये 100 हो जाएगा। 3 से 200 को भाग देंगे, 3 6 18, 3 संग 18, ये घटता चला जाएगा। मतलब
जो औसत स्थिर लागत है वो ऊपर से घटता हुआ नीचे की ओर चलता चला जाता है, ये होता है औसत स्थिर लागत। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि कुल स्थिर लागत स्थिर होता है लेकिन उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तीसरा होता है कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को अगर उत्पादन की इकाइयों से हम भाग कर देते हैं तो हमें मिलता है औसत परिवर्तनशील लागत। क्योंकि उत्पादन के साथ साथ कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे में औसत परिवर्तनशील लागत में भी परिवर्तन आता रहता है। देखिए कैसे, जीरो से भाग कर देंगे जीरो को, ये कुछ नहीं होगा, डैश कर देंगे। एक से भाग कर देंगे 40 को, ये होगा 40। दो से भाग कर देंगे 30, और तीन से भाग कर देंगे, ये हो गया 3 × 2 = 6, बचेगा 2, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। और ये भी यू आकृति का बनता है, क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत है, पहले ये घटता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत भी इस आकार का बनता है। ए वी सी ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्जाम में भी डायग्राम ही आपको लिखना होगा, डायग्राम बनाना कंपलसरी है। सीमांत लागत, सीमांत लागत का मतलब होता है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में कितना परिवर्तन होता है। एक अतिरिक्त का कम या ज़्यादा होने से उत्पादन की कुल लागत में भी परिवर्तन होता है। तो कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसके अंतर को सीमांत लागत कहते हैं, इसको अतिरिक्त लागत के नाम से जानते हैं। बेसिकली सीमांत लागत स्थिर लागत से नहीं परिवर्तनशील लागत से परिवर्तन होता है। इसलिए इसका दूसरा फार्मूला भी हो सकता है कि यहाँ पर MC इक्वल टू होता है TVC n माइनस 1। जीरो इकाई पर MC सीमांत लागत हमेशा कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे परिवर्तनशील लागत की वृद्धि होती है, ये हो गया हमारा 40, फिर हो गया हमारे पास 20, और फिर हो गया ये 20, और ये आकृति भी आपका बनेगा यू का, पहले कम होगा फिर हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा सीमांत लागत कंप्लीट अवधारणा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। संबंधों की बात करेंगे, जो अब तक आपने पढ़ के आए हैं ना बिल्कुल उसी आधार पर होता है। जब संबंध की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही गणना कुल लागत दर होती है। जहाँ पर औसत लागत निकालने के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं कुल लागत बट्टे एक उत्पादन की इकाइयाँ, जबकि सीमांत लागत करने की करते हैं कुल लागत में परिवर्तन बट्टे इकाइयों में परिवर्तन, या फिर दूसरा फार्मूला होता है TCn - TCn - 1। ठीक है, उसके बाद संबंध की बात करते हैं, औसत लागत वक्त गिरता है तो सीमांत लागत एक सीमा तक गिरता है, जैसे औसत लागत कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सीमांत लागत भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कम होता चला जाएगा, किंतु एक अवस्था के बाद सीमांत लागत बढ़ना आरंभ हो जाता है, फिर ये ऊपर क्यों चढ़ता है, और ये भी ऊपर औसत लागत भी ऊपर क्यों चढ़ेगा। ये हो गया औसत लागत और ये हो गया सीमांत लागत। तो मतलब जब औसत लागत गिरता है उस टाइम औसत लागत हमारा ज़्यादा होता है, सीमांत लागत कम होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है सबसे कम, उस टाइम हमारा सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और उसके बाद तीसरा होता है, जब हमारा औसत लागत बढ़ना शुरू होता है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ता है, उस समय सीमांत लागत ज़्यादा हो जाता है, औसत लागत कम होता है। ठीक है, तो ये संबंध याद रखिएगा कि संबंध के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर अब तक किए गए पूरे किसी पॉइंट में आपका डाउट होता है तो अपने डाउट जरूर नोट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लगातार बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये पेपर वन चल रहा है, सेमेस्टर वन का। इसके बाद मैं पेपर सेकेंड यानी कि स्टैटिक्स के लिए क्लासेस देना शुरू कर दूंगा, उसके वीडियोज़ आएंगे। सेमेस्टर वन कम्प्लीट होने के बाद सेमेस्टर सेकेंड यानी कि आप बन के बाद सेकंड में जाएंगे तो हमेशा बने रहेंगे, तो आपका कंप्लीट कोर्स गारंटी देता हूँ मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू एंड बाय।